स्वागत है गाइस आपका कारफोर सेल सिमुलेटर के एक और एपिसोड में। पिछले एपिसोड में अपने बहुत सारे ऑप्शन चेक किए थे जिसमें एक में से भी रेयर कार नहीं निकली, और ड्रैग रेस भी करी थी जिसमें भी कोई खास गाड़ियां नहीं आई थी। तो आज कोशिश करेंगे यार एक दो और रेयर कार अपन ढूंढ लें, जैसे निसान GT-R वगैरह ये सब, क्योंकि हमें मिल तो सकती है, ड्रैग रेस से ही मिल सकती है, बेस्ट ऑप्शन है अपने पास ड्रैग रेस। लेकिन जो ऑप्शन है वो है बाय लक, अगर अपना लक है तो खुल जाएगी, नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं उस चीज़ का। तो ये रात हो चुकी है, चलते हैं सीधे घर पे अपने यार, बस से चलते हैं कंटेनर में। नेक्स्ट डे देखते हैं, अगर ऑप्शन खुला होगा तो चेक करेंगे उसमें कुछ मिल जाए अपने को, और अपने को अपना घर भी अपग्रेड करना है अभी, और सारे जो स्किल पॉइंट हैं वो भी अनलॉक करने हैं। तो नेक्स्ट डे हो चुका है, कार मार्केट ओपन है, तो चलो देख कर आते हैं यार। कार मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं, अपने को पैसा नहीं बनाना है, पैसा है अपने पास 31 लाख समथिंग है अपने पास, तो यहाँ से गाड़ियाँ लेने का कोई मतलब नहीं है, और ज़्यादा कुछ खास गाड़ियाँ है भी नहीं, एक पोर्शे है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये अपन ने बना के बेची थी, बिल्कुल माफिया नंबर लगाया था इस पर, ब्लैक कलर करा के बेच दी थी। चलो ठीक है, ये खरीद लेते हैं एक, कितने 81 की दे रहा है, एक काम कर 1 61 में फाइनल कर दे, 20 हजार कम कर देता है आराम से, कोई दिक्कत वाली हो क्या हो गया, 1 61 में दे देना। ये ले क्यों नहीं रहा, अड़ा चाहिए भी नहीं मेरे को। चलो चलते हैं यहाँ से, ग्लिच हुआ है कुछ, वो गाड़ी बेच नहीं रहा। यहाँ से चलते हैं सीधे अपने ऑफिस पे, ऑफिस पे जाके देखते हैं गाड़ी की क्या कंडीशन है, कोई खरीदने नहीं आया अभी तक, चलो कोई बात नहीं, और चलते हैं ड्रैग रेस में देख कर आते हैं कौन सी गाड़ी आई हुई है अपने से रेस करने के लिए, वो भी चेक करते हैं फटाफट से चल के। फ्यूल अपना फुल है इस गाड़ी में, और कौन सी गाड़ी है ये, एक मस्टैंग है और एक पता नहीं कौन सी गाड़ी है यार। चलो मस्टैंग से रेस करते हैं, कितने हैं 518 की, चलो ठीक है आ जाओ। क्या बात है, क्या साउंड है यार, मजा आ गया, मैं तो भूल भी गया हूँ कैसे होती थी, थोड़ा थोड़ा याद है। आज से तो पहले इंजन स्टार्ट करना है अपने को, ये लो शिफ्ट दबा की गाड़ी आगे लेनी है, ये लो ये बस, अब रेस देनी है नॉस के साथ पूरी। 3, 2, 1 अरे यार गए यार अपन गलत, मैंने जल्दी दबा दिया, मैंने बहुत जल्दी दबा दिया यार, हट। 10 सेकंड में कंप्लीट करते हैं अपन इसको, 12 सेकंड लगे, कोई बात नहीं, हार गए अपन रेस, किस्मत में नहीं है जीतना, गलती से मैं शिफ्ट दब गया, कोई बात नहीं चलता है इतना। अरे जल्दी गेम में पहुंचाओ भाई। ठीक है चलते हैं यहाँ से, अपनी गाड़ी उठा गया अपन और सीधे चलते हैं अपने कंटेनर में। नेक्स्ट डे ऑक्शन खुला होगा तो ट्राई करेंगे, चल जल्दी, मेरे को पूरी रेस देनी थी उसके बाद दबाना था शिफ्ट, मैंने नोज खोलते ही शिफ्ट दबा दिया, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई। बाकी चलते हैं फटाफट से, बाकी चलने डैमेज हो गई, 2% डैमेज हो गई गाड़ी मेरी, कोई बात नहीं, पहुंच गए कंटेनर में। नेक्स्ट डे यार अभी तो ये कहेगा अभी सो नहीं सकते, जहाँ तक है यही कहेगा, अभी 12 बजे से पहले सो नहीं सकता मैं। खैर चलते हैं इसको रिपेयर करवाते हैं फटाफट से, 2% डैमेज हो गई है ये, तो सीधे इसको रिपेयर करवा के मैं मिलता हूँ आपसे। तो नेक्स्ट डे हो चुका है, अपन ने अपनी गाड़ी रिपेयर भी करवा ली है, चलते हैं ऑक्शन 5 बजे खुलेगा, उससे पहले देख कर आते हैं ड्रैग रेस के लिए कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है। फ्यूल अभी फुल है अपने पास, फटाफट तक चलते हैं ड्रैग रेस पे।
आज कुछ अच्छी सी रेयर कार आ जाए तो मैं इससे रेस कर लूँ, लेकिन यार ये गाड़ी मेरे को स्लो लग रही है बिल्कुल। कि अगर कोई डंकी गाड़ी निसान GTR आ भी गई ना तो भी मैं हार जाऊंगा इस। और वो मैंने देखा था कार के बदले कार वाली रेस, अपन कार्स, ओहो, पोर्शे, टेस्ला, दो गाड़ियां खड़ी है यहाँ पे। ये पोर्शे क्या, सुपरा और टेस्ला, तो अपन लगाते हैं सुपरा से रेस। चलो रेस, मिलते हैं सीधे रेस में। स्टार्ट करते हैं गाड़ी, शिफ्ट दबाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है ठीक है, ये लो, अब ध्यान रखना है, मुझे पहले पूरी रेस देनी है उसके बाद शिफ्ट थ्री दबाना है। टू वन ये हो गया, ये दूसरा शिफ्ट हो गया, तीसरा ले 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 ले, तीसरा शिफ्ट ही नहीं ले रही यार, हार गए इससे भी। 2 सेकंड का फर्क है, तो ये गाड़ी बिल्कुल भी इस रेस के लिए नहीं बनी है। अपने को एक दूसरी गाड़ी खरीदनी पड़ेगी रेस के लिए, क्योंकि ये डॉज वाइपर मेरे को समझ नहीं आ रही स्पीड से क्यों नहीं चल रही है। 2 बार शिफ्ट लिया, तीसरी बार शिफ्ट लिया ही नहीं इसने। ये छोटी गाड़ियों से रेस करने के लिए सही है, बाकी मेरे को नहीं लगता ये इससे अपन रेस जीत सकते हैं, तो मेरे को गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी कोई डंकी। इससे अच्छा तो मैं अपनी पोर्शे जो मैंने वहां बेचने पर लगा रखी है उसे मानता हूँ, वो काफी जल्दी स्पीड में आ जाती है। इसकी मैक्स स्पीड चेक करते हैं कितनी है, 140 प्लस जाएगी ज्यादा से ज्यादा, 200 भी क्रॉस नहीं करेगी, तो कोई मतलब नहीं है इसे रेस करने का। बेचना अपने को है नहीं इसे, अपन केवल रेयर कार कलेक्शन के लिए इसको लेके बैठे हैं, और 2 गाड़ियां मैंने सेल पे लगा रखी है। ऑफिस ओपन करते हैं फटाफट से और इनको भी बेचते हैं, मिलते हैं सीधे कस्टमर आने पे। तो कस्टमर आ चुके हैं, फटाफट से इन दोनों को गाड़ी बेचते हैं। जी मैडम बोलो कितने में? मैंने 5 लाख में ये गाड़ी लगाई है, आप कितना देंगी इसका? 275 196 की तो मैं लेकर ही आया था। जी मैडम बोलो, अब ये गाड़ी में ही घुस गई है, बात करने का ऑप्शन कहाँ है? अरे हाँ ठीक है, 222, 130 की लेकर आता, चलो कोई नहीं, 3,10,000 फाइनल। इतने में तो यार ये बेच क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं, एक ग्लिच क्यों चल रहा है इतना? 2 लाख जो 2,30,000 करते हैं इसको, ऑफर में ऑप्शन क्लिक करने का हो ही नहीं पा रहा है, ये ग्लिच है क्या है समझ नहीं आ रहा इस गेम का मुझे। चलो एक बार मैं गेम रिस्टार्ट करता हूँ, वापस से मिलते हैं आपसे। तो गेम में वापस आ चुके हैं रिस्टार्ट करके, अब शायद ऑप्शन आ जाना चाहिए, पहले ग्लिच हुआ था थोड़ा बहुत। तो ये मैडम कितने दे रही हैं? 2,26,000 इस गाड़ी के, और ये भाई साहब कितने दे रहे हैं? 2,37,000, तो इनको बेचते हैं अपन 2,80 में। ठीक है 2,80 में ले जाओ आप, 2,80 में ले जाओगे, 2,60 में ले जाओ, 2,60 में फाइनल, इससे नीचे नहीं आएगी रेट। चलो बिक गई 2,60 में, और ये मैडम कितने में ले रही हैं? 5 लाख मैंने बोले हैं, 195 196 की तो मैं लेकर ही आया हूँ मैडम, और आप कितना बोल रहे हैं? जल्दी से 248, बस 1 मिनट रुकना, आप कितने में मैडम? 248 का कस्टमर मेरे पास है, इससे 269 फाइनल हुआ रेट अपना, 3,10,000 में आप ये ले जाओ गाड़ी, 3,10,000 में आपकी, बिल्कुल सही तो बेची ना मैंने, 31,000 में तो नहीं बेच दी, मैंने रेट भी चेक नहीं किया। चलो खैर छोड़ो, और ऑक्शन में अभी टाइम है, तो जब ऑक्शन एक रेस और है वहाँ पे, खैर वो छोटी सी गाड़ी है, कार मार्केट भी नहीं खुला। चलो चलते हैं थोड़ा नेबरहुड में चक्कर लगाते हैं, कोई अच्छी सी गाड़ी मिल जाएगी तो लेकर आते हैं उसको। यार ये बहुत स्लो गाड़ी है, नोज खोलने पे भी इतनी देर में स्पीड में आती है ये, तो इससे तो मैं रेस नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोई अच्छी सी गाड़ी खरीदनी होगी रेस के लिए। चलते हैं सीधे नेबरहुड में, तो फिर
कचरा ही मिलता है, लेकिन क्या पता कुछ अच्छा सा मिल जाए। मेरे को लगता है मुझे दिन स्किप कर करके, अरे यार हल्की सी गाड़ी जितने में 3% डैमेज हो गई गाड़ी, ये कौन सी बेकार गाड़ी है। और ये भी बेकार है, सामने भी एक बेकार खड़ी हुई है, इधर कोई गाड़ी नहीं है, इधर से चलते हैं थोड़ा इधर घूम के, इधर कोई गाड़ी है, सामने एक ट्रक है, ट्रक का क्या करूँगा मैं, और इधर एक सुपरा खड़ी हुई है यार, और कोई सी, और दैट्स, क्या ही बोलूँ मैं यार। देखो अंधे घोड़ों की तरह चलाते हैं, अंधे घोड़ों की तरह गाड़ी चला रहे हैं। ए बकवास ए बकवास, टेस्ला खड़ी है, टेस्ला की दिगाम की नहीं, चलो चलते हैं यहाँ से, यहाँ कुछ भी नहीं है, ऑक्शन खुलने में सिर्फ 1.5 मिनट का बाकी रह गया टाइम, चलते हैं सीधे ऑक्शन पे, ऑक्शन चेक करेंगे तभी अपन ले सकते हैं, क्योंकि ट्रैक रेस करके भी फायदा नहीं है, तो आज अपन जितने ऑप्शंस चेक कर सकते हैं वो करेंगे फटाफट फटाफट। तो चलो जैसे ही ऑप्शन स्टार्ट होता है मैं मिलता हूँ आपसे। ऑप्शन स्टार्ट होने वाला है, चलो बैठते हैं फ्रंट सीट पे। चलो पहली गाड़ी आई है, देखो यार इसका क्या कर सकते हैं, अब इतनी गंदी गाड़ी ऑप्शन में आएगी तो कैसे ही खेलेंगे यार इस चीज़ को, हटाओ स्किप करते हैं इस चीज को। दूसरी गाड़ी आई है लेम्बोर्गिनी क्लच, ले लेंगे इसको, $36 लाख हैं अपने पास, अरे फटाफट बिड लगाते हैं नहीं तो ये तो पता नहीं कहाँ पहुँचा देंगे गाड़ी को। लो लो, अरे बस करो रे यार, चलो बिक गई। तीसरी गाड़ी ऑडी टीटी, अरे यार तीसरी गाड़ी बकवास है, NG5, इसको लेके भी क्या करूँगा। चलो ये ऑक्शन तो बकवास निकला, फाइनली एक ड्रैग रेस में एक रेयर कार दिखी है, ये डॉज वाइपर है, लेकिन मैं इस पर बैट नहीं लगा सकता क्योंकि क्या सेम मॉडल नहीं है या पता नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन ये 19,000 की बैट है, केवल मैं कार के बदले कार वाली बैट नहीं लगा सकता हूँ इस पर। बाकी यार कितनी शानदार गाड़ी लग रही है भाई, ये चेंज कैसे होता है, कोई ऑप्शन ऑप्शन आता है क्या इसको चेंज करने का। चलो रेस तो लगाते हैं, देखें 22,000 की रेस है, देखते हैं क्या होता है, दोनों डॉज वाइपर हैं आमने सामने, मजा आएगा यार। बैट वो कैसे लगती है यार, कार के बदले कार वाली बैट, लेकिन वो कितनी मस्त लग रही है ना यार। इंजन स्टार्ट, गाड़ी को आगे लेके चलो, बस 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 ठीक है, 3, अब ध्यान रखना है बस। 2, 1. वाह हरा तो दिया, लेकिन अगर कार के बदले कार मिल जाती ना तो मजा आ जाता यार। यार किस्मत में नहीं है, क्या कर सकते हैं, कस्टमर ऑफिस में है अपने, मैंने रेस चालू होते हुए देखा था यार, कैसे आएगा वो ऑप्शन मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये देखो बकवास गाड़ियां खड़ी है, इनसे क्या रेस करूं मैं, चलते हैं ऑफिस क्लोज। यार मेरे को ऐसा लगता है जैसे ये रेस करते हैं उस टाइम भी कुछ डे वगैरह चेंज हो जाता है, क्या होता है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ऑफिस ओपन करके गया था और कस्टमर भी था मेरे ऑफिस में, और जब रेस ख़त्म हुई तो ऑफिस क्लोज है और कस्टमर नहीं है। एक फरारी लगा रखी है मैंने बेचने में, खैर बेचते हैं इसको फटाफट से और दिन स्किप करके देखते हैं ऑक्शन मिलता है कि नहीं मिलता, नेक्स्ट डे मिलता हूँ सीधे आपसे।
तो फाइनली नेक्स्ट डे ऑक्शन खुला हुआ था, जिसका टाइम 3 बजे का था। यार ये ऑक्शन भी अब बहुत भारी लग रहे हैं, कभी 5 बजे का, कभी 3 बजे का, और ये दिन स्किप करना भी बहुत भारी काम हो गया। तो चेक करते हैं पहली गाड़ी कौन सी है। बकवास, दूसरी गाड़ी है पोर्शे। आज का ये अपना लास्ट ऑक्शन है, क्योंकि यार ये ऐसी गाड़ियां ऑक्शन में आना बहुत बेकार है, एक दिन स्किप करने में बहुत टाइम लग रहा है। और ये ऐसी ऐसी गाड़ियों के लिए अपन दिन स्किप करके आते हैं, टाइम करते हैं, तो ये तो बकवास है। अब ये देखो, ये विंटेज कार आई है तीसरी, इसका क्या करूँगा मैं। बीटल तो ऑक्शन में भी बहुत रेयर चांस होते हैं कि रेयर कार मिले अपने को, क्योंकि ऊपर ही 1% चांस है, 1.7, 2.3, 3.2 इतना परसेंट चांस है कि गाड़ियाँ खुलेगी। तो मुश्किल है यार ये, इसमें रेयर कार को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। खैर फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि ये सारी रेयर कार ढूंढ के ही इस सीरीज को ख़त्म करें। फिलहाल देखते हैं चौथी गाड़ी कौन सी है, ये भी बकवास। तो खैर आज का ये लास्ट ऑक्शन था अपना, इसमें भी कुछ भी नहीं मिला अपने को। नेक्स्ट एपिसोड में अपन ट्राई करेंगे कि कुछ बेस्ट मिल जाए अपने को। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट बनाए रखो, अच्छा लगता है। थैंक यू गाइस।